डेंसिटी के बारे में, ठीक है। जब हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कौन सा सिंक करेगा, ये उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर देखो, मेरे पास ये 10 रुपीज का कॉइन है, ठीक है, और मैं यहां पर इस पानी के अंदर डालता हूं। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड है, ये लिक्विड के अंदर डालूंगा और ये डूब गया, ठीक है। मेरे पास इससे एक बड़ा ऑब्जेक्ट है यहां पर, अब ये देखते हैं कि इसमें डालने के बाद ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा जो है, ठीक है जी। ओहो, ये इसमें भैया फ्लोट कर रहा है, डूब नहीं रहा है लेकिन अटक रहा है। चलो इसको खोल करके डालते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं डूबता है फ्लोट करेगा। क्या लगता है क्या होगा भैया? फ्लोट करेगा, ये फ्लोट करेगा। चलो जी, ये हम इसमें डाल देते हैं और ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब कि इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है जी, कंपैरिजन टू कॉइन। अब अगर मान लो मैं इसमें ये लेमन डाल देता हूं, नींबू डाल देता हूं, देखते हैं इसमें डूबेगा तैरेगा भाई ये? फ्लोट सर, फ्लोट, फ्लोट करेगा सर। चलो देखते हैं, ये नींबू इसमें डूब चुका है, इसका मतलब कि इसकी डेंसिटी यहां पर ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यहां पर आइस लेता ना, वो इसके ऊपर फ्लोट करती, क्योंकि आइस के बीच में एयर गैप होते हैं तो वो फ्लोट करती है। इसका मतलब उसकी डेंसिटी इससे यहां पर क्या हो जाती है बच्चों? कम, कम हो जाती है। इसके अंदर एक चीज का कॉन्सेप्ट और आ रहा है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। यहाँ पर देखो नींबू का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है नींबू ये भी संतरा है। तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है।